दोस्तों, जब मैं आज अपने लैपटॉप को ऑन किया, उसके बाद फिंगरप्रिंट के ऊपर मैं यहाँ पर हाथ को रखा, तो यहाँ पर आप देखो तो स्क्रीन तो यहाँ पर ऑन हो गया, यानी कि फिंगरप्रिंट सेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है अनलॉक नहीं हो रहा है। मैं बार बार यहाँ पर रखता हूँ लेकिन ये अनलॉक नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा मुझे पहली बार हुआ है। तो ये प्रॉब्लम को मैं सर्च किया और इसको मैं फिक्स करके आपको दिखाऊँगा। विंडोज़ 11 में इस तरीके की ये कॉमन प्रॉब्लम है, और जितने भी फिंगरप्रिंट वाले लैपटॉप हैं उन सभी में ये प्रॉब्लम आसानी से आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं फिंगरप्रिंट हाथ रख रहा हूँ लेकिन ये जो है ऑन नहीं हो रहा है, और मेरे फिंगर को ये सेंस ही नहीं कर पा रहा है, और इसको पता भी नहीं है कि ये फिंगर प्रिंट है, जबकि यहाँ पर रखने से देख सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पर फिंगर प्रिंट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं फिंगर प्रिंट पर सिर्फ यहाँ पर रख रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर फिंगर प्रिंट कुछ भी सेंस ही नहीं कर रहा है कि हमारा फिंगर प्रिंट पर यहाँ पर कुछ भी टच हो रहा है, जबकि टच पैड यहाँ पर देख सकते हो ऑन हो गया है यहाँ पर स्क्रीन। तो मैं इसको फिक्स करके आपको बताऊँगा कैसे विंडोज़ 11 में ये कॉमन प्रॉब्लम है आ सकता है, और आसानी से इसको आप फिक्स भी कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग में। तो यहाँ पर है हमारे पास सेटिंग। सेटिंग ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट में। अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आप चाहे तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, और ईजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पर साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर इसका सेटिंग यहाँ पर है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कोई एरर आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा, तो यहाँ से आपको इन सब को रिमूव करना है। यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है, इसको रिमूव कर देंगे, यानी फिंगरप्रिंट को पूरे तरीके से रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ से सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गेट स्टार्ट, यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर अपना पिन डालना है, जो पिन आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन में रखे हो इसका, वो पिन डालना है आपको। पिन डालने के बाद यहाँ पर ओके करना है आपको। ओके कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो टच द फिंगर सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर। तो अब आपको टच करना है फिंगरप्रिंट सेंसर को। तो यहाँ पर टच करोगे तो यहाँ से एक और फिंगर यहाँ से ऐड हो जाएगा, और जो पहले हम लोग रिमूव किए थे यहाँ पर नया क्रिएट हो जाएगा। और नया क्रिएट होने के बाद यहाँ से आप इजीली आप इसको इस फिंगरप्रिंट से बूट ऑन और यहाँ पर मतलब कि लॉक यहाँ पर कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ऐड अनदर फिंगरप्रिंट यहाँ पर है, तो आप एक ही हम लोग लगा दिए हैं, तो बस उतना काफ़ी है। आप चाहे तो और फिंगरप्रिंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम लोग इसको बंद करते हैं, और बंद करने के बाद हम लोग एस पी सी को जो है ना लॉक करते हैं। लॉक करने के लिए सिंपल लोगो पर क्लिक करना है। यहाँ पर लॉक हो गया, और देख सकते हैं ये लॉक हो गया। अब हम लोग टच करते हैं फिर से यहाँ पर, क्या ये काम कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हो ये आसानी से यहाँ पर ये फिक्स हो गया है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है अब, और जो भी प्रॉब्लम पहले आ रहा था वो फिक्स हो गया है। तो इस तरीके से करके आप रिमूव करके फिर से ऐड करोगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। थैंक यू।